हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाई सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ज़्यादा सुबह नहीं, मैं सुबह उठा था 7 बजे क्योंकि इस मैडम ने उठा दिया था। पूरी रात ये सोने नहीं देती है मुझे, बिल्कुल भी नहीं सोने देती है। तो सुबह 7 बजे उठ के इसको फ्रेश सूप पोटी कराई, फिर इसको खाना दिया, फिर मैं कटिंग करा के आया और फिर आने के बाद मैं फिर से सो गया और ये भी फिर से सो गई। दोस्तों मैं एडिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये यहाँ पे अभी भी तंग कर रही है। ओए देखना, ये मैं आवाज चलेगी ना इसकी तो देखना क्या करेगी। ओए क्या हुआ, फुल तंग करती है यार, बहुत ज्यादा शरारती आदमी है। इसका कुछ ऐसा ही नाम रखना पड़ेगा इसकी हरकतों के ऊपर, बिजली बुजली नाम रखना पड़ेगा इसका। है बिजली, ओ बिजली, ओ बिजली काम करने दे यार, काम करने दे प्लीज, बैठ जा। रोने लग जाती है अगर ना ऊपर बुलाऊं तो। देखो देखो देखो, देख लो आप लोग खुद देख लो। ए, ए, देख, अब काम करने दे प्लीज। चलो थोड़ी इसको लेके चले, चलो भाई आजा ऊपर चलते हैं, चलो सुसु करके आते हैं, चलो 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 भागो। तो हम अपने रूटीन में पहुंच चुके हैं, दोनों ऊपर आ गए हैं ये और मैं भी ऊपर आ गया हूँ। अभी खेलने लग जाएंगे, पर खेलने से पहले थोड़ी इसको सुसु करने दे। भाई ये सुसु करना तो भूल गई और ये फिर से खेलने लग गई। ये पूरा दिन खेलते रहते हैं। थोर को बेस्ट कंपेनियर मिल गया इस टाइम। देख देख फिर गिर दी। ये देखो भाई प्यार इनका, वो छोटा बच्चा उठ के आया और इसके पास हो गया। देखना पापा जी, पर ये थोर बंदर सा, इसको अजीब सा लगता है, ये उठ जाता है थोर। अभी वहां जाके सोएगी। हेलो हेलो सोएगी थोर। इतने क्यों नहीं सिलाया उसको? हेलो का भागी, हेलो अपने घर में सो रही होगी, देख के आते चलो। हेलो आइए और हेलो आते देखते कि मेरी जगह पे किसी और ने कब्जा कर लिया। हेलो हेलो क्या हुआ, हेलो आज हेलो की आंख भी पूंछ नहीं है, ये भी सो के उठी है ना। अच्छा हेलो, अच्छा देख लो। हेलो पापा, हेलो क्या चेक कर रही है? पापा हेलो चेक कर रही है मेरे बेड पे कि सो गई है। हेलो तू तेरे घर में सो जो है, तो तेरी भी छोटी बहन ही है ना, अरे उठ के तो ये तूफान है, यो थोड़ी देर सोने दे इसे अब थोड़ी। आपने अभी अभी देखा कि हेला कैसे खुशी को देख रही है क्योंकि खुशी उसके बेड पे सो गई थी। बट आपको ना मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो 2 दिन पहले शूट करी थी मैंने, जब ये पहली बार मिले थे, यू कह सकते हो पहली बार या दूसरी बार, तो इसने क्या हरकत करी थी। थोर की बॉल ले ली गई है, थोर की बॉल ले ली है और थोर ऊपर पर खड़ा होकर देख रहा है कि अब मैं क्या करूं, और उधर हेला दिख गया इसे। थोर देख के क्या हुआ, थोर धमका दे इसे। हाँ वो इस बार तो थोर ने भी धमका दिया इसे, बट टेंशन की अब कोई बात नहीं है। हेला और खुशी बिल्कुल सही हो गए और मैं इसको समझा रहा हूँ खुशी को, तो वो बिल्कुल सही तरीके से मिलती है हेला से। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम खुशी कैसे रखा गया और इसको खुशी क्यों बोल रहा हूँ मैं। हाँ, न्यू पपी का नाम खुशी रख दिया गया। आप देखो इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत तकड़ा रीजन है, देखते ही आप समझोगे। ठीक है चलो अब देखो इसे। तो दोस्तों ये क्लिप शूट नहीं करनी थी बट मैं कर रहा हूँ। पापा मम्मी इसका नाम पता चल गया। क्या आपको याद है मैं बचपन से प्रेयर में एक चीज मांगता हूँ, हे भगवान सबको खुशी मिले और सबको शांति मिले और मेरे को मेरी खुशी वापस ला दो। खुशी वापस ला दो, इसका मतलब है कि जब मैं कौन सी क्लास में था, मैं गोपी और के रहते थे, फर्स्ट में था या सेकंड में था, नहीं फर्स्ट में था, मानो तो मतलब डेढ़ साल की फर्स्ट में था जब वो बुआ लेके आई थी। हाँ वो हाँ। दो ना हमारे घर में आई थी, दो मनु दो बच्ची आई थी छोटी छोटी, वो थी इंडियन स्पिट्स की व्हाइट कलर की, पापा लेके आए थे और बुआ जी लेके आए थे, और वो ना बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी,
और वो ना पता है हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे जब हम रेंट के घर में रहते थे, स्टार्टिंग ही थी इस हार में आए थे ना, मैं फर्स्ट में वो प्योर के घर पे थे और फर्स्ट में था मैं, तो वो पता नहीं वो ऊपर से गिर गई थी और वो बेचारी बच नहीं पाई थी, फर्स्ट फ्लोर से गिर गई थी, वो जाली थी लोहे की आगे, सिर्फ इतनी ईंट थी वो, इतनी ही ईंट थी। और मेरे पास है ना दीपू भैया आ गए थे और वो खेलती खेलती मेरा ध्यान पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं चला, हमने 10 मिनट के बाद संभाला कि भाई खुशी कहाँ गई, तो फिर वो नीचे पड़ी थी, मतलब वो छत से नीचे गिर गई थी। 3 दिन तक बहुत घूमे हमें चीव में लेके उसको, उसके बहुत हाँ उसके जूते टूट गए थे, वो बहुत छोटी सी थी और वो उसकी डेथ हो गई थी। तो वो दिन था और आज का दिन है, जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ या कुछ भी मांगता हूँ ना, तो मेरी ये लाइन जरूर होती है कि मेरी खुशी वापिस ला देना, तो वो खुशी का मतलब वही था कि वो पप्पी वापिस ला देना, मिलियन थी। हाँ तो ये देखो पापा, ये पूरा दिन खुश रहती है, ये पूरा दिन इसको डांट मार दो जैसे कुछ कर दो, इसको रहना खुश है। अभी ऊपर में इसको सपोर्टिंग कराने गया था तो पता है अपनी परछाई को देख के पकड़ रही है उसे, मतलब खुद ही छत पे खेल रही है, अरे खुद ही इसको कुछ नहीं, किसी की जरूरत नहीं और मतलब खड़ी होगी और इसको छत पे इसकी परछाई दिख रही है तो वो परछाई के पीछे भाग रही है और परछाई आगे आगे आ रही है पीछे पीछे ऐसे से, तो ये मतलब पूरा टाइम खुश रहती है, तो इसका नाम खुशी है। सही, सही है नाम, कैसा लगा? मस्त, तेरी बचपन की खुशी देखो हेला ना जा रही है और ये पक्का बोल लेगी हेला को गुरु, क्योंकि हेला थोर के पास चली जाती है पर थोर उसको कुछ भी नहीं कहता कि ठीक है खा ले, और थोर तो ऑफर भी कर देता है खाना, पर ये वाली बच्ची खुशी नहीं आई है और इसको पता नहीं है कि ऐसे नहीं करना। इसने एक बार हेलो को ऐसे गुर गुरा दिया था तो मैंने इसको खुशी को धमका दिया था, मैं कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने समझाया है कि भाई इस घर में हेला को प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा शरीफ बच्ची है, मतलब शांत रहती है बिल्कुल, ठीक है तो इतना तो देना पड़ता है भाई ध्यान। हेलो, आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे अभी अभी दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों ना इन तीनों का एक रियलिटी शो बनाए। पापा जी जैसे बिग बॉस होते हैं, अलग अलग शो होते हैं, उसमें वॉइस ओवर हो जाएगा या फिर ऐसे ऊपर मतलब मैसेज पॉप अप हो जाएगा है ना कि ये क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं, वो सारा प्रॉपर एक रियलिटी शो, और इनका वो चलाएंगे आप टेल्स ऑफ थोर एंड हेला पे, ठीक है। तो ये कैसा लगा आइडिया मुझे जरूर बताना, मजे आएंगे। खुशी का, थोर का और हेलू का, हेला कहाँ भाग गई, अभी यहीं थी, हेला पानी पीने गई हुई है। तो इन तीनों का बड़ी रियलिटी शो चलाएंगे, आप लोग जरूर बताना, अगर 100+ कमेंट हो गए ना इस टॉपिक के रिलेटेड यस भाई कि हमें रियलिटी शो चाहिए, या फिर यूं लिख दो आप आरपी शो कमेंट सेक्शन में #RP Show, इससे रिलेटेड अगर 100 कमेंट होगी तो हम अपना शो स्टार्ट कर देंगे टेल्स ऑफ थोर एंड हेला पे। हेलो, तो पानी पिया ही, हेला का पता चल जाता है, आप लोगों को पता है ना, ये देखो पानी पी रही है गिल्ली, इधर है हेला से मिल ले, हेला किसी दिन इसके पिट्टी पिट्टी करेगी ना तब जाके ये पता चलेगा इसे कि हेला कितनी खतरनाक है ना। हेला आ जा, हेलो मेरे पास आ जा, हेलो मेरी बेटी, अरे थोर ऊपर खड़ा हो गया, सब देख रहा, सब नजारे ले रहा है थोर ऊपर खड़ा हो। खुशी खाना चाहिए तेरे को, ये जो कुछ नहीं दिख रहा इस टाइम, ये जो खाना दिख रहा है, आराम से मिल इससे, कुछ नहीं करना, प्यार से मिलना हो तो मिल ले। ये देख सारे सोच रहे हैं कि भाई इसे क्यों मिल रहा है। हेला तेरा खाना तो यहाँ रखा हुआ बेटी, तू तो यहाँ खा ले, ये ले खाना खा ले, थोरू तेरे को खाना दिया खुआ, फिर भी तू ऐसे सोचेगा तो तेरे को एक ट्रीट दे देते हैं भाई, ये ले जा जा खा ले। सारे अपने खाने के पास बैठ के, इसका पानी नहीं रखना, ये हेला का लीटर बॉक्स, ये लो भाई। तो दोस्तों विस्की जो है वो मम्मी की फ्रेंड के पास, फीमेल डॉग है एक, और उनके घर में वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि दोनों वर्किंग है अंकल और आंटी, तो इस वजह से उन्होंने मम्मी को कहा कि इसको अडॉप्ट करा दो किसी अच्छे घर में जहां हमारे जैसी केयर हो। तो फिर पापा के दोस्त है
उनके घर में अडॉप्ट कराया, पापा मम्मी ने कराया था उसको। तो अभी पापा और मम्मी गए थे वहाँ पे, तो मैं वहाँ व्लॉग तो शूट कर नहीं पाया, पर मम्मी और पापा ने व्लॉग शूट करा, तो आप जरूर देखो। वो और विस्की को लेने वाले ओनर ये हैं और अडॉप्शन मैम कर रहे हैं और साथ में हमारे सर आए हैं और ये दादी जी आ गई है, रसद तक लेती है वो दादी जी आ गई है, विस्की की दादी है ये विस्की। आइयो मेरी विस्की, इसलिए हमारी विस्की आइयो मेरी विस्की, बहुत पॉडकास्ट में ये अच्छे घर में जा रही है। आइयो मेरी विस्की रानी चलो मैम आ जाओ। हाँ इसका सामान बताओ मैडम, ये भी बता दो। देखो सुबह किस टाइम खाना देते हो? 9 बजे 8 बजे 8:30 मैम हमारी मिट्टी का सारा सामान रखना जी। हाँ देख लो भाई, देखो सर ये दादी है इसकी, ये खाने पानी नहीं पीती। हाँ इसमें इतना दूध डालना पड़ता है, बिल्कुल चलो आओ। 3 दफा पिलाते हैं जी, सुबह की तो भाई वहाँ पे तो हमें उसको शूट कर नहीं पाए क्योंकि बाहर गली के अंदर अंधेरा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सा माहौल हो गया था क्योंकि मैम ने इतने प्यार से उसको रखा था विस्की को, तो मैम और उसकी बेटी दीपा दोनों भावुक हो गए और गले दादी जी रोने लगी और दादी जी के साथ तो मैडम ही रोने लगी। रोना तो पर आप तो सपोर्ट के लिए गए थे कि आपने आंटी को यूं कहना चाहिए था नए बेटे, है ना? हाँ आंटी को करना तो देखो मैं खुद, लेकिन वो जिस घर में गई है घर वो भी बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा घर है और जैसे मैम के घर वो रहती है सेम वैसे ही प्यार मिलना उसको। पर आपको मम्मी जी सपोर्ट वो कहना था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसे तो मैंने बोले आंटी को भी आप टेंशन ना करो अच्छा घर मजा रही है, खुद रोन लग रही है। लेकिन जब नेचुरल बात है जब एक बच्चे को 7 महीने तक पाला है और फिर उसको देना कितना मुश्किल होता है, वो तो है ही। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि अंकल जी बीमार रहते इसलिए उनको देनी पड़ी। अच्छा परिवार में गई है, बहुत अच्छे परिवार। चलो अब रात को ना मैं व्लॉग अभी एंड नहीं कर रहा, करूंगा सुबह एंड। मैं ना आप लोगों को इसकी शैतानी दिखाना चाहता हूँ रात को, ये जो मुझे तंग करती है ना, अपडेट दूंगा आपको कि ये अभी इतने बजे, अभी इतने बजे और अभी इतने बजे और ये तंग कर रही है। तो सो रही है, अभी तो सो रही है। ये दिखाना चाहता था मैं आप सब लोगों को, देखो कहाँ फंसी हुई है ये, देखो कहाँ फंसी हुई है, ये खुद फंसी है ऊपर चढ़ने के लिए। अब आप कहोगे कि इसको क्यों नहीं उठा रहे थे आप, भाई मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देख लो खुद फंसी है, ये इतनी सी जगह में खुद फंसी है, यहाँ सोती है ये, यह खुद फंसी है। देख लो इसकी हरकतें देख लो, और ये पूरी रात ऐसे करती है, देख लो भाई इतनी शरारती आदमी है ये, और यहाँ बैठेगी अब। देखा मेरा, देखा दुख देखा। और अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम हुआ है ये देख सकते हो आप, 11 बजे हुए रात के, और मैडम की हरकतें देखो अब, देख क्या कर रही है, खुशी नहीं। मौसम देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है और गुड मॉर्निंग आप सबको। थोर हेला और खुशी आई हैं, खुशी ऊपर सोती है जैसे कि आपने इस पहले क्लिप देखी थी ना, और रात को 11 बजे कैसे कर रही थी। उसके बाद मुझे ऐसी भयंकर नींद आई, मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर सुबह सुबह फिर मुझे आवाज़ आई खुशी की, वो मेरे को कह रही थी उठ जा वो रोड लग रही थी, तो फिर मैं अभी उठाऊँ। उठ के इसने सुसू तो कराया ऊपर, पर पोटी इसने अंदर ही करी हुई थी, वो सारी उठा के साफ सूफ करके तो फिर हम नीचे ले गए। अब इसको अब ये फुल मस्ती करते इस टाइम, देख लो भाई थोर का तो बेस्ट कंपेनियन मिल गया थोर को, है ना ऊपर जी, बिल्कुल। पर इसका एक वो है यार, इसे सारा थूक में भर देता था और इसे, और फिर इसमें से ना स्मेल सी आती है, इसको हम ड्राई वॉश करेंगे। चलो भाई इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अच्छा लगता है व्लॉग तो एक लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में बताया करो कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। कोई और सजेशन
जैसे कि मैंने पूछा था कि वो एक वो रियलिटी शो जैसा बनाए या ना बनाए टेंस ऑफ थोरन हेला पे, तो अगर आप 100 कमेंट करते हो उस टॉपिक पे तो हम सीरीज चला देंगे टेल्स ऑफ थोरन हेला पे, ठीक है। इन तीनों की ये बातें कर रहे होंगे, इसी के साथ बाय बाय।